Give two reactions that show acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with ethanol. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, आपको दो ऐसी रिएक्शन बतानी है जिससे ये पता चले कि फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। दूसरा पार्ट है आपको ये बताना है फिनॉल और इथेनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है। देखते हैं पहले पार्ट का आंसर। फॉलोइंग रिएक्शन शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। जब आप फिनॉल को सोडियम के साथ ट्रीट करते हो तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनती है। दिस रिएक्शन शोज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, क्योंकि हम जानते हैं एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये एसिड्स की एक रिएक्शन है, हमने करी है, जैसे एग्जांपल जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यस और नो, ये मेटल है, ये एसिड है, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन शोज दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन अल्कोहल भी देते हैं, ये रिएक्शन अल्कोहल भी देते हैं। ओके, अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं अल्कोहल। फिर और क्या रिएक्शन होती है एसिड की, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये एसिड की रिएक्शन होती है ना। फिनॉल बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट सोडियम फिनोक्साइड और वाटर बनाएगा, ये रिएक्शन भी ये बताती है कि फिनॉल एसिडिक है। दो रिएक्शन पूछी थी, दो बता दी हमने। अगला, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन। देखो अब आपसे, हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया, दो रिएक्शन बता दिए जिससे फिनॉल की एसिडिटी पता चलती है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था, फिनॉल और इथेनॉल की एसिडिटी कंपेयर करनी थी। एक बात तो आप याद कर लो, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होती है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। समझ में बात, याद करना है ये। इसमें एक एक्सेप्शन है, मीथेनॉल, मीथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये चार चीजें याद रखना, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल, उससे कम मीथेनॉल, उससे कम वाटर, उससे कम बाकी जो अल्कोहल बच गया, तो बाकी अल्कोहल इथेनॉल फिर यही आएगा ना, बाकी अल्कोहल में इथेनॉल आएगा ना। अब देखते हैं, तो फिनॉल, देखो कोई भी एसिड, ये बात समझो ध्यान से, कोई भी एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होता है जितना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस हो। पहली बात तो ये समझ में आता है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। एसिड में से एक एच प्लस हटा दो तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। केमिस्ट्री में एक सिंपल बात है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ज्यादा बनता है, स्टेबलर द कंपाउंड मोर इट इज फॉर्म्ड। ओके, अगर फिनोक्साइड आयन, अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा मतलब फिनॉल ज्यादा डिसोसिएट होगा। समझ में आई बात। नाउ दिस फिनोक्साइड आयन इज वेरी स्टेबल आयन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो यहाँ पे इसका रेजोनेंस दिखाया हुआ, मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस कब होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर आ जाए, ऐसे केस में मैंने बताया था ना रेजोनेंस होता है। ये लोन पेयर यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, लोन पेयर यहाँ आ गया। फिर देखो एरो से दिखाया हुआ है, ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया डबल एंड सो ऑन। तो जो फिनोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए फिनोक्साइड आयन एक बहुत ज्यादा स्टेबल आयन है। क्लियर होगी बात। लेकिन इथेनॉल को देखते हैं हम, ये इथेनॉल है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है,
इथोक्साइड आयन इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि फिनोक्साइड आयन बहुत स्टेबल आयन है, इसलिए फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक है। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, क्योंकि फिनोक्साइड आयन, क्योंकि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर उसकी बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब फिनॉल के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और फिनॉल डिसोसिएट होगा तो एच प्लस देगा, समझ में ही बात। तो एसिडिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो इसलिए फिनॉल इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। देखो, फिनॉल्स की एसिडिटी पूछी है, दो दो फिनॉल्स दिए हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मिथॉक्सी। इस ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, ओ सी एस थ्री, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथॉक्सी ग्रुप। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कौन सा हो गया? दिस इज फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग गया? नाइट्रो। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे ड्रॉ किया, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ। ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल कौन सा हो गया? ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो, ओ एच ओ सी एस थ्री मिथॉक्सी। इन दोनों की एसिडिटी के बारे में पूछा गया है, उसने बताया है कि दिस इज मोर एसिडिक। ओके, एक बात बिल्कुल याद कर लो, अगर फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे ग्रुप लगे हों, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। इससे ऑपोजिट, अगर फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, फिनॉल कह लो या किसी भी कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो ना, तो एसिडिटी कम हो जाती है। याद रहेगी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी कम करते हैं। देखो क्यों है ऐसा, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोफिनॉल का इस बात, ये जो मैंने बात बताई, इसको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहला, जो बुक में आंसर दिया उससे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज नाइट्रोफिनॉल, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिंपल भाषा में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। नाइट्रो इज माइनस एम ग्रुप, कौन सा? माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप वो ग्रुप होता है जो रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ओके, तो ये रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उससे क्या हो गया? देखो, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस और नो? आ गया ना। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यस और नो? बिकॉज ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, माइनस एच प्लस। एच प्लस लूज करने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यस और नो? देखो इसको ध्यान से, दिख रहा है? यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली पुल करेगा और एच प्लस को बाहर करने की टेंडेंसी रखता है। क्लियर? तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीजन एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इट्स टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इंक्रीज्ड, ठीक है। दैट इज वाई इट्स एसिडिटी इंक्रीज, एच प्लस को लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। यहां देखो, अब ओ सी एस थ्री मिथॉक्सी, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज किए, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज।
अब यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, समझ में आई बात। इसके पास ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो अब ये सिस्टम यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी नहीं रखेगा, कम रखेगा, समझ में आई बात है। इसलिए इसकी एच प्लस को रिमूव करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सिंपल बात है, एक लाइन में बोलूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर खींच रहा है अपनी तरफ तो ऑक्सीजन भी फिर खींच लेगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्स, देखो जब एसिडिटी होती है, जब भी किसी चीज को एसिडिक नेचर में, ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे समझाता हूँ, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, जब भी एसिडिक नेचर की बात होगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और एच प्लस को हटा दे, रिमूव कर देगा, यही होगा ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने में हेल्प करेगा ना, फिर ये तो फिर एच प्लस को बाहर करने में हेल्प करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे जा रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन को खींचने में तो हेल्प नहीं कर रहा ना, समझ में आई बात है। तो फिर एच प्लस को रिमूव नहीं किया जाएगा, ठीक है बात है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिटी कम करते हैं, यही लिखा है देखो। ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीजेस। यहां पे देखो, इसके माइनस एम की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी यहां पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी। टू गेन बैक इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए तो वो क्या करता है, एच प्लस को पुश कर देता है अभी कि तू निकल जाए, एच प्लस इलेक्ट्रॉन दे जा अपने बस। इसलिए प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस। इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। इसलिए उसकी एच प्लस को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो एच प्लस को क्यों भगाएगा, एच प्लस को भगाएगा तो इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे अपने पास उसको, तो वो नहीं करेगा ऐसा, इसलिए इससे एसिडिटी कम हो जाती है। एक तो ये तरीका एक्सप्लेन करने का, दूसरा तरीका एक्सप्लेन करने का फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से है। देखो ये ग्रुप है एक, तो एक ये ग्रुप है, ओके। अब ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर, समझ में आई बात। ऑक्सीजन के ऊपर जब एच प्लस लूज कर देगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो यही बनेगा ना, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बनेगा। कोई भी स्पीशी तब ज्यादा स्टेबल होती है जब उसमें चार्ज डीलोकलाइज्ड हो, चार्ज फैला हो सब जगह, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस नेगेटिव चार्ज को ये तो फैलाने में हेल्प करेगा, डीलोकलाइज में हेल्प करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे जा रहा है, भाई उसको पहले ही नेगेटिव चार्ज था, आप सप्लाई करे जा रहे हो, और तो डीलोकलाइजेशन तो नहीं हुई, लोकलाइजेशन हो गई चार्ज की, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर ये कम स्टेबल होगा तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा वो कम एसिडिक होगा, समझ में आ रही बात। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा टूटेगा तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, दोनों बातों से आप बता सकते हो, क्लियर होगी बात है। नेक्स्ट, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ये ऊपर वाली बात ही फिर से होगी कि अगर नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कौन सा हो गया, दिस इज फिनॉल, NO2 इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, पैरा पे लगा दे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों की एसिडिटी फिनॉल से ज्यादा होती है, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है कि
कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन की स्ट्रक्चर बनाइए। बना देते हैं भाई, ये फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल का, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, समझ में आ रहा है? सिंपल ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, देख लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, आराम से एक बार देख लो सारा, कहीं डाउट है पूछो। देन पैरा नाइट्रोफिनॉल का देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, सारे एरो यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना ड्यू टू रेजोनेंस। नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होता है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, इसलिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। आप इनकी कंपेयर करो, देखो फिनॉक्साइड आयन के कितने स्ट्रक्चर है, पांच, 1 2 3 4 5। नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, ज्यादा हो गए ना। देखो क्यों हो गए, बढ़ गए यहाँ, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इस पे फोकस करो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया था ऑर्थो पे, ऑर्थो पे आने के बाद नाइट्रो ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, यस और नो? यहाँ ऊपर देखो, ये ऑर्थो पे आया चार्ज, आया ना ऑर्थो पे, ऑर्थो पे आने के बाद यहाँ पे इसको कोई खींचने वाला नहीं था, फिर कहाँ चला गया, आगे यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे आने पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो आप, इस पॉइंट को, सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे फोकस करो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका था, लेकिन नाइट्रोफिनॉल में क्या था, नाइट्रो ग्रुप ने इस ऑर्थो वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन होगी नेगेटिव चार्ज की, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, समझ में आ गई ना बात? ऐसे ही देखो यहाँ ऑर्थो पे फिर पैरा पे भी आएगा, देखो यहाँ पे पैरा पे आ रहा है ना चार्ज, यहाँ पे मेरा पैरा पे है ना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पैरा पे आ गया, तो पैरा फिर पैरा पे अगर नाइट्रो लगा होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे पैरा पे लगा नाइट्रो, तो नाइट्रो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो एसिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उतना एसिडिटी बढ़ा देगा वो, ठीक है ना। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, अगर मेटा पे लगा होता नाइट्रो तो माइनस एम इफेक्ट वहां ऑपरेटिव नहीं होता, देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे पैरा पे, मैटा पे आपको दिख रहा है कहीं नेगेटिव चार्ज? मैटा पे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहीं पे भी है, मैटा पे तो है ही नहीं। अगर मैं मैटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा भी दूँ तो वो माइनस एम इफेक्ट वहां पे ऑपरेटिव नहीं होगा, रेजोनेंस के जरिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि मैटा पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, खींचेगा कहाँ से, समझ में आई बात? इसलिए नाइट्रो ग्रुप अगर मैटा पे लगा होता है तो वहां पे माइनस एम इफेक्ट ऑपरेटिव नहीं होता, मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा से ही ऑपरेटिव होता है, क्लियर होगी बात है? लेकिन माइनस आई जरूर ऑपरेटिव होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई ऑपरेटिव होता है, माइनस आई तो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इन कंपाउंड को एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कौन सा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम करेगा, तो पहले देख। अच्छा दूसरा क्या यूज होगा, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, मोर एसिडिक देन वॉटर,
मोरस देखते हैं ना, बिल्कुल अल्कोहल्स, एक तो ये बात यूज होगी इसमें, दूसरी बात जो मैंने पहले बताई वो, ठीक है। तो देखते हैं, ये सारे मैंने कंपाउंड यहां ड्रॉ किए हुए हैं। देखो, सबसे कम एसिडिक कौन होगा? अल्कोहल। देखो, एक इस इन सारे ऑप्शंस में एक अल्कोहल है, बाकी सारे फिनॉल है, तो सबसे कम एसिडिक तो अल्कोहल होगा। बाकी देखो, फिनॉल ये रहा, ठीक है। फिनॉल से कम एसिडिक कौन होगा? 4 मिथाइल फिनॉल। क्यों? मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, ठीक है बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा ना ये, कैसे करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं करके दिखा देता हूँ, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ। ऐसा है ना, कैसे करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां, तो फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो फिर ऑक्सीजन की टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन डिक्रीज हो जाएगा। उस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप एसिडिटी कम करेगा, तो फिनॉल से कम एसिडिक हो जाएगा। फिर देखो, अब बाकी नाइट्रो थे, नाइट्रो ग्रुप के बारे में देखो, अगर नाइट्रो मेटा पे लगा है, ठीक है ना, अगर नाइट्रो कहाँ लगा है, मेटा पे लगा है, तो मेटा पे -M तो ऑपरेटिव होता नहीं है, सिर्फ -I ऑपरेट होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, -I भी इलेक्ट्रॉन खींचता ही अपनी तरफ, लेकिन वो खींचता कैसे है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ऐसे होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ कर ही रहा है, लेकिन ड्यू टू -I इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक हो ही जाएगा। समझ मेरी बात? यहाँ पे आपने दो ग्रुप लगा दिए नाइट्रो के, तो फिर ज्यादा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा, सिर्फ -I, -M मत लिख देना, मीजोमेरिक सिर्फ ऑर्थो और पैरा से ऑपरेटिव होता है। फिर ये तो क्या है, ऑर्थो और पैरा पे लगा दिया आपने, तो बहुत ज्यादा -M करेगा, -I तो करेगा ही करेगा, तो -I और -M इफेक्ट सारे लग जाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर बात है? एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करता है, +M ग्रुप और +I ग्रुप, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M और -I, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।